So, कैसे बच्चों लोग? So, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो नाम ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़े नंबर्स का यार हमारे को कॉम्प्लेक्स कर देगा, दिमाग घुमा देगा कि ये यूज कहाँ होंगे। ठीक है, उससे पहले समझ, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले पहले हम तो ये देखते हैं -3 -2 और ये जो नेगेटिव नंबर है ये यूज कहाँ होता है, जो कि हमारे इंटीजर्स है। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वहां माइनस यूज होता है कि आपने कितनी पेमेंट्स करी, आपके एक्सपेंसेस हैं। दूसरी बात, शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि माइनस में होता है कि फॉल हो गई है हमारे शेयर की प्राइस। तीसरा, आप लॉसेस देख सकते हैं, उसको भी उसमें करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट माइनस लॉस। अब लॉस अगर मेरा 50 रुपीज का, तो हमने माइनस यूज करा, और ये हम आपको पता है कि जो हमारे नंबर का साइन का होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो हमारा माइनस के जो नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपने 10th क्लास में एक ये चीज पढ़ा था, b² - 4ac। ठीक है, क्या होता था ये, डिस्क्रिमिनेंट होता था। हमने पढ़ा था अगर b² - 4ac > 0 है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, b² - 4ac को अगर = 0 है तब भी सॉल्व करेंगे, और b² - 4ac > 0 है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसी चीज को लेके एक मैथमेटिशियन है हमारे यॉलर, ठीक है, यॉलर नाम का एक मैथमेटिशियन है, तो उसने क्या कहा, उसने एक तरीका बताया हमने, उसने एक इमेजिनरी नंबर बताया कि जिससे हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज देखेंगे वो कैसे आई। जैसे मान लेते हैं x² + 25, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, x² = -25 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +√-25। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो वही यॉलर हमें क्या बताता है, वो कहता है तुमने क्या करना है, जो ये x की वैल्यू आई है +√25, तो मैं इसको ऐसे प्लस में ले लेता हूँ, चाहे माइनस में भी कंसिडर कर सकते हैं, मैंने इसको लिखा है ऐसे -25। ठीक है, फिर इस -25 को आपने सेपरेट कर देना है, कैसे, 25 पॉजिटिव और अंदर ही रूट में -1 लिख देना है। ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया, रूट में ही है, और फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √25 × √-1। ठीक है, कुछ नहीं करा, x² + 25 थी, 25 उधर गया, सबट्रैक्ट माइनस हो गया, स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, प्लस माइनस मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा आप एक ही हम प्लस का ही ज्यूम कर लेते हैं, x = √-25 को मैंने ब्रेक करा 25 × 1 में, फिर √25 और -1 मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैं ऐसे थोड़ी किसी को बोलूंगा चलो √25 तो मेरा ही 5 हो जाएगा, और √-1 थोड़ी बोलता रहूंगा सबको। ठीक है, हमें पता है √1 1 होता है, बट √-1 थोड़ी 1 हो जाता है, तो उसके लिए उसने क्या कहा, उसने बोला कि आप इस √-1 को ना आई लेट कर लो। ये आई क्या है, आयोटा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा है। ये मेरा एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये मेरा एक इमेजिनरी नंबर है, तो उसने ये 5i को क्या कर लिया, √-1 को क्या कर लिया, आई लेट कर लिया। तो अब देखते हैं फर्दर, इसी से हमारी जो भी है सारी कहानी स्टार्ट हुई है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैंने किसको आई लिया है, √-1 को मैंने क्या ले लिया, आई ले लिया। ठीक है, अब ये रूट उधर चला जाएगा तो ये i² हो जाएगा, तो मेरे पास एक रिजल्ट क्या आया कि मेरा i² किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, ये यॉलर ने हमें बताया कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं। काफी मैथमेटिशियंस की लड़ाई चलती रही कि भाई यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा इसके बाद भी, बट आप देखेंगे तो इसका यूज इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी यूज हो जाता है। ठीक है, एक वीडियो में उसमें भी बनाऊंगा कि ये कहाँ यूज होता है, तब की तब देखेंगे हम। तो अभी हमने बस इतना बेसिक समझना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, डेफिनेशन एज सच कुछ है नहीं इसकी। ठीक है, तो ये तो हमारे ये कुछ मेथड हो, एक ही i² = -i हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z = a + ib। ठीक है, a + ib, i मेरा क्या है, एक रियल पार्ट है,
और बी मेरा क्या है एक इमेजिनरी, आई भी मेरा क्या हो जाएगा एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ए मेरा एक रियल पार्ट हो गया और आई भी मैं इसको क्या बोलूंगा एक इमेजिनरी पार्ट है, और जेड का मतलब क्या है मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने ये चीज क्या रखनी है ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये एक्सरसाइज वन से रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मान लो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो 2+3 आएगा, 2+3 आएगा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको पहले रेसिप्रोकल करना है। एक चीज याद रखनी है, कभी भी डिनोमिनेटर में वी आर नॉट अलाउड टू लीव आयोटा या आई, अलाउड नहीं है हमें, ठीक है। और मैं यहां लिख देता हूं आई स्क्वायर मेरा क्या था -1 था। अब आपने रैशनलाइजिंग पे जाना है, ठीक है। रैशनलाइजिंग तो सबको पता है, 10th क्लास में सीखी हुई है रूट वाली, तो क्या होता था साइन रिप्लेस हो जाते थे प्लस का माइनस, माइनस और नंबर सेम। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा ये तो सेम ही हुआ, 2+3 है इंटू 2-3 है, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, क्या कहां ले जाता है ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2² - 3i² ठीक है। फर्दर मैं इसको क्या लिखूंगा 2 - 3i² 4। अब आप देखेंगे मैंने माइनस लिखा 9 3 3 9 एंड आई स्क्वायर, ठीक है। और आई स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता था माइनस के इक्वल होता था 2 - 3i 4 - 9 - 1 ये आएगा। मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां पर प्लस भी कर सकते हो क्योंकि मेरा आई स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस गेट प्लस, तो मैंने आपको दिखाया आई स्क्वायर की जगह माइनस वन आ गया, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया 4 - 9। तो हमारा आंसर क्या है 2 - 3i / -1, ये माइनस आप ऊपर भी ले जाके फर्दर कर सकते हैं आपकी मर्जी। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है एक कंसेप्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।